हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राम और आप देख रहे हैं गैजेट न्यूज़ जिंदगी। तो गाइस यार, 15,000 रुपये के अंदर आपको पता होगा कि यहाँ पर इंडिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा स्मार्टफोन सेल होते हैं, क्योंकि गाइस यार 15,000 रुपये के अंदर आपको यहाँ पर काफ़ी ज़बरदस्त कैमरा परफॉर्मेंस और बैटरी लाइफ भी काफ़ी अच्छी आपको मिल जाती है। और गाइस मेरे हिसाब से भी यार काफ़ी अच्छा है ये प्राइस सेगमेंट, क्योंकि यहाँ पर आपको काफ़ी ज़बरदस्त स्मार्टफोन्स मिल जाते हैं। लेकिन गाइस इसी के साथ में यार हमें एक प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ती है, जैसे कि गाइस इस प्राइस सेगमेंट के अंदर आपको कई सारे स्मार्टफोन्स मिल जाते हैं जिसमें यार कन्फ्यूज़न भी काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं टॉप 5 स्मार्टफोन्स 15,000 रुपये के अंदर। दोस्तों यार वीडियो को पूरा ज़रूर देखना और स्किप बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि यार मैं यहाँ पर आपको किसी भी तरह की कोई रैंकिंग नहीं बता रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको यहाँ पर टॉप 5 स्मार्टफोन्स बताने वाला हूँ जो कि मेरे हिसाब से यार 15,000 रुपये के अंदर सबसे बेस्ट चॉइस है। तो चलिए गाइस यार वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस यार सबसे पहले हम अपने इंडियन स्मार्टफोन्स की बात करते हैं, तो सबसे पहले यार हमें यहाँ पर देखने को मिल जाता है माइक्रोमैक्स की तरफ से माइक्रोमैक्स इन नोट 1। दोस्तों यार माइक्रोमैक्स की तरफ से काफ़ी अच्छा कमबैक देखने को मिला है। तो गाइस यहाँ पर यार स्पेक्स भी काफ़ी ज़बरदस्त देखने को मिल जाती है। चलिए बात करते हैं यहाँ पर इस स्मार्टफोन की। तो यहाँ पर आपको यार लुकिंग वाइज काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन देखने को मिल जाता है, बैक में आपको शाइनी सी लुकिंग देखने को मिल जाएगी। और अगर हम बात करें यहाँ पर फिंगरप्रिंट की गाइस, तो वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है इसके बैक में। और गाइस बात करें हम यहाँ पर डिस्प्ले की, तो यार यहाँ पर आपको 6.67 इंचेस की IPS LCD की डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी, और इसी के साथ में यहाँ पर आपको सेंटर पंच होल कैमरा देखने को मिल जाता है। यार डिज़ाइन वाइज काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन है। और कैमरा की बात करें तो बैक में आपको यहाँ पर 48+5+2+2 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा और 16 मेगापिक्सल का आपको फ्रंट कैमरा मिल जाता है। और गाइस यहाँ पर आपको दोनों ही कैमरा से फुल HD की रिकॉर्डिंग का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है। और गाइज यहाँ पर आपको 5000 mAh की बैटरी मिल जाती है, जहाँ पर आपको 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है। और गाइज यहाँ पर आपको रिवर्स चार्जिंग का भी सपोर्ट मिल जाता है। फ्रेंड्स यहाँ पर आपको USB टाइप सी की पोर्ट भी देखने को मिल जाती है। चलिए बात कर लेते हैं प्रोसेसर की यार, तो यहाँ पर आपको MediaTek Helio G85 का प्रोसेसर मिल जाता है। बहुत ही पावरफुल चिप है यार, आपको यहाँ पर परफॉर्मेंस और गेमिंग के लिए कोई भी दिक्कत नहीं होगी। साथ ही गाइज अगर आप एक हैवी यूज़र है तो भी यहाँ पर आपको कोई परेशानी नहीं होने वाली है। गाइज यहाँ पर आपको 4GB रैम 64GB की इनबिल्ट स्टोरेज मिल जाती है, और इसी के साथ में यहाँ पर आप डेडिकेटेड स्लॉट देखने को मिल जाता है गाइज मेमोरी कार्ड के लिए। और गाइज यहाँ पर ये स्मार्टफोन आपको एंड्रॉइड 10 आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिलने वाला है। और सबसे अच्छी बात दोस्तों, इसके अंदर आपको यहाँ पर क्लियर स्टॉक एंड्रॉइड का सपोर्ट देखने को मिलेगा। गाइज माइक्रोमैक्स ने यह दावा भी किया है कि इस स्मार्टफोन के अंदर आपको 2 साल तक के गारंटीड अपडेट्स भी देखने को मिलेंगे। 11,000 रुपये की प्राइस पर काफ़ी अच्छा फोन है अगर आप एक इंडियन ब्रांड को सपोर्ट करना चाहते हैं। गाइज वीडियो अगर अभी तक आपको पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को ऑल आइकन पे जरूर से क्लिक कर दीजिएगा, ताकि दोस्तों जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिले। तो गाइज अगला स्मार्टफोन है यहाँ पर रियलमी की तरफ से Realme 7। ये भी स्मार्टफोन आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, यहाँ पर भी आपको डिज़ाइन काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है। गाइज यहाँ पर आपको फिंगरप्रिंट साइड माउंटेड देखने को मिल जाता है। तो चलिए बात करते हैं अब यहाँ पर यार इसके मेन फीचर्स की। तो यहाँ पर आपको 6.5 इंचेस की IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी गाइज, जहाँ पर आपको 90 हर्ट्ज की स्मूथ रिफ्रेश रेट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, और साथ ही यहाँ पर आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन भी दिया गया है। गाइज यहाँ पर आपको बैक में 64+8+2+2 मेगापिक्सल के आपको 4 कैमरा देखने को मिल जाएंगे, और 16 मेगापिक्सल का आपको फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाएगा, जो कि दोस्तों आपको एक पंच होल कटआउट के साथ में देखने को मिलता है। गाइज यहाँ पर आपको 4K की वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिल जाएगा बैक कैमरा से, और फ्रंट कैमरा से आप यहाँ पर फुल HD की रिकॉर्डिंग कर पाएंगे। और फ्रेंड्स यहाँ पर आपको 5000 mAh की बैटरी मिल जाएगी और 30 वॉट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। साथ ही यहाँ पर भी आपको USB टाइप सी की पोर्ट दी गई है गाइज। तो चलिए बात करते हैं अब यहाँ पर परफॉर्मेंस की। तो यहाँ पर आपको MediaTek Helio G95 का प्रोसेसर दिया गया है। तो गाइज अगर आप एक बहुत ही ज़्यादा हैवी यूज़र हैं तो आप इस स्मार्टफोन को डेफिनेटली परचेस कर सकते हैं, क्योंकि गाइज यहाँ पर आपको गेमिंग और परफॉर्मेंस में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। और गाइज बात करूँ यहाँ पर अगर स्टोरेज की, तो यहाँ पर आपको 6GB रैम 64GB इंटरनल स्टोरेज मिल जाएगा, और यहाँ पर गाइज आपको UFS 2.1 का स्टोरेज दिया गया है, और साथ ही यहाँ पर आपको डेडिकेटेड स्लॉट दिया गया है MicroSD कार्ड के लिए। फ्रेंड्स यहाँ पर भी आपको ये फोन एंड्रॉइड 10 आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पर आपको Realme UI देखने को मिलता है जो कि बहुत अच्छे से काम करता है गाइस। ये भी फोन आपको 15,000 रुपये की प्राइस पर मिल जाएगा, आप अगर चाहें तो देख सकते हैं। फ्रेंड्स अगला स्मार्टफोन है यहाँ पर सैमसंग की तरफ से सैमसंग M21। गाइस इस सेगमेंट के हिसाब से यार यहाँ पर आपको वन ऑफ द बेस्ट डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, सुपर एमोलेड की डिस्प्ले दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। और गाइस यहाँ पर आपको डिज़ाइन काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। गाइस बात करूँ यहाँ पर फिंगरप्रिंट की, तो वो भी आपको बैक में देखने को मिल जाता है। चलिए बात करते हैं यहाँ पर डिस्प्ले की, तो यहाँ पर आपको 6.4 इंचेस की सुपर एमोलेड की डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी गाइस, जो कि यार वन ऑफ द बेस्ट डिस्प्ले है, और इसी के साथ में यहाँ पर आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन भी मिल जाएगा। और गाइस बैक में आपको यहाँ पर 48+8+5 मेगापिक्सल के ट्रिपल कैमरा और 20 मेगापिक्सल का आपको फ्रंट कैमरा मिल जाएगा।
वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें तो आप रियर कैमरा से 4K की वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे और फ्रंट कैमरा से आपको यहाँ पर फुल HD की रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिल जाएगा। और गाइज यहाँ पर आपको यार सबसे बड़ी बैटरी मिल जाती है 6000 mAh की, जहाँ पर आपको 15 वॉट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाता है। और गाइज यहाँ पर भी आपको USB टाइप सी देखने को मिल जाएगा। और बात करूँ अगर यहाँ पर प्रोसेसर की, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा वीक प्रोसेसर देखने को मिलता है गाइज, Exynos 9611 का। तो गाइज अगर आप एक बहुत ज़्यादा हैवी यूज़र हैं या फिर कोई गेमिंग के लिए फ़ोन परचेस करना चाहते हैं गाइज, तो आप इस फ़ोन को इग्नोर कर सकते हैं। गाइज यहाँ पर आपको 4GB RAM 64GB की इनबिल्ट स्टोरेज मिल जाएगी, जहाँ पर आपको UFS 2.1 का सपोर्ट दिया गया है। और इसी के साथ में यहाँ पर आपको डेडिकेटेड स्लॉट देखने को मिल जाता है माइक्रो SD कार्ड के लिए। फ्रेंड्स यहाँ पर आपको एंड्रॉइड 10 आउट ऑफ द बॉक्स स्मार्टफोन देखने को मिल जाएगा, जहाँ पर आपको One UI 2.5 देखने को मिलता है। गाइज ये फोन आपको अंदर से चलाने में भी काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है। फ्रेंड्स अगर आपको यहाँ पर यार यूज़र इंटरफेस, कैमरा, बैटरी और डिस्प्ले अच्छा चाहिए, तो आप इस फोन को जरूर से एक बार देख सकते हैं। फ्रेंड्स अगला स्मार्टफोन अगेन Realme की तरफ से है, Realme Narzo 20 Pro। फ्रेंड्स यहाँ पर भी आपको यार डिज़ाइन काफ़ी अच्छा दिया गया है और फिंगरप्रिंट आपको यहाँ पर साइड माउंटेड देखने को मिल जाता है। चलिए बात करते हैं यहाँ पर डिस्प्ले की, तो यहाँ पर आपको 6.5 इंच की IPS LCD की डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी विथ 90Hz रिफ्रेश रेट के साथ में गाइज। और यहाँ पर भी आपको कोर्निंग गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन देखने को मिल जाएगा। और गाइज बात करूँ यहाँ पर कैमरा की, तो बैक में आपको 48+8+2+2 मेगापिक्सल के 4 कैमरा और 16 मेगापिक्सल का आपको फ्रंट कैमरा मिल जाएगा। और गाइज वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें, तो यहाँ पर भी आपको बैक कैमरा से 4K की वीडियो रिकॉर्डिंग और फ्रंट कैमरा से आप यहाँ फुल HD की रिकॉर्डिंग कर पाएंगे। चलिए बात करते हैं बैटरी बैकअप की, तो यहाँ पर आपको 4500 mAh की बैटरी मिल जाएगी, जहाँ पर आपको यार 65 वॉट की ज़बरदस्त फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाएगा। और यहाँ पर भी आपको USB टाइप सी का पोर्ट देखने को मिल जाएगा गाइज। और बात करूँ अगर प्रोसेसर की, तो यहाँ पर आपको MediaTek Helio G95 का प्रोसेसर दिया गया। तो अगेन गाइज अगर आप एक बहुत ज़्यादा हैवी यूज़र हैं या फिर बहुत ज़्यादा हैवी गेमिंग के लिए फ़ोन परचेस करना चाहते हैं, तो यार ये फ़ोन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है। गाइज Realme 7 और Realme Narzo 20 Pro आपको सेम स्पेसिफिकेशन के साथ में देखने को मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको सिर्फ दो फर्क देखने को मिलते हैं इन दोनों स्मार्टफोन के अंदर। एक तो यहाँ पर आपको बैटरी कम मिल रही है और दूसरा यहाँ पर आपको जो प्राइमरी सेंसर है वो आपको यहाँ पर कम देखने को मिलता है। गाइज अगर आपको ये दोनों चीज़ें चाहिए, तो आप Realme 7 के साथ में जा सकते हैं। तो गाइज इस लिस्ट का सबसे आखिरी फोन है यहाँ पर पोको की तरफ से, पोको M2 Pro। गाइज ये स्मार्टफोन आपको काफ़ी ज़्यादा कमाल की स्पेसिफिकेशन के साथ पे देखने को मिल जाएगा। बात करूँ डिज़ाइन की यार, तो यहाँ पर आपको फ्रंट और बैक दोनों ही जगह पर गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन दिया गया है और साथ ही यहाँ आपको फिंगरप्रिंट सेंसर साइड माउंटेड देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर आपको 6.67 इंचेस की IPS LCD की डिस्प्ले भी मिल जाएगी। गाइज बैक में यहाँ पर आपको 48+8+5+2 मेगापिक्सल के 4 कैमरा और 16 मेगापिक्सल का आपको फ्रंट कैमरा मिल जाएगा। गाइज वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें, तो आप रियर कैमरा से यहाँ पर 4K की वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे और साथ ही आप फ्रंट कैमरा से यहाँ पर फुल HD की रिकॉर्डिंग कर पाएंगे। फ्रेंड्स यहाँ पर आपको 5000 mAh की बैटरी मिल जाएगी, जहाँ पर आपको 33 वॉट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है और साथ ही यहाँ पर आपको USB टाइप सी की पोर्ट भी देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों अगर बात करें प्रोसेसर की, तो यहाँ पर आपको वन ऑफ द बेस्ट प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, Qualcomm Snapdragon 720G का, जो कि यार परफॉर्मेंस और गेमिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा कमाल का प्रोसेसर है। अगर आप एक बहुत ज़्यादा हैवी यूज़र या बहुत ज़्यादा हैवी यूजिंग के लिए फ़ोन को परचेस करना चाहते हैं, तो ये स्मार्टफोन आप डेफिनेटली ले सकते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पर आपको 6GB RAM 64GB की इनबिल्ट स्टोरेज मिल जाएगी, यहाँ पर भी आपको UFS 2.1 का स्टोरेज दिया गया और साथ ही यहाँ पर आपको डेडिकेटेड स्लॉट देखने को मिल जाता है माइक्रो SD कार्ड के लिए। और गाइज ये स्मार्टफोन भी आपको एंड्रॉइड 10 आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिल जाएगा, जहाँ पर आपको MIUI 11 देखने को मिलेगा। ये स्मार्टफोन भी आपको 15000 रुपये के अंदर देखने को मिल जाता है। गाइज अगर आपको यार बेस्ट ऑलराउंडर स्मार्टफोन चाहिए, तो आप इस फोन के साथ में जा सकते हैं। गाइज वीडियो यहीं पर एंड होती है, उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा, तो यार लाइक करना ना भूले और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।